एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड फर्स्ट 1/4 ऑफ कुछ पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी ठीक है यहाँ पर दिया है 1/4 ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई हमें मल्टीप्लाई करना है और सारे ए बी सी तीनों को सॉल्व करना है सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 इसे हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 4 मल्टीप्लाई 4 वन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 एंड 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 4 16 अब पार्ट बी इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट का ही करेंगे 1/4 ऑफ 3/5 सेम यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन होगा 1/4 मल्टीप्लाई 3/5 1 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 5 1 3 जा 3 एंड 4 5 जा 20 पार्ट सी 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ 4/3 1/4 मल्टीप्लाई 4/3 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 1 4 जा 4 4 3 जा 12 अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं क्योंकि 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम एंड 12 आता है 3 टाइम सो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 हमारा आंसर क्या होगा 1/3 नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस भी करना है लोवेस्ट फॉर्म में सो पार्ट फर्स्ट इज 2/3 मल्टीप्लाई 2 2/3 अब यहाँ तो हमारे पास फ्रैक्शन है बट यहाँ पर क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो पहले हमें इसे सॉल्व करना है 2/3 एज इट इज मल्टीप्लाई मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना सिखाया है डिनोमिनेटर के पास वाले डिजिट से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में एड तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2/3 एज इट इज 2/3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 2 8 8/3 तो 2/3 मल्टीप्लाई 8 और 3 मल्टीप्लाई 3 2 8 जा 16 एंड 3 3 जा 9 अब क्वेश्चन में हमें कहा था कि मल्टीप्लाई तो हमें करना है पर साथ में जो हमारा आंसर होगा उसे हमें रिड्यूस भी करना है मतलब जितना हो सकता है उतना हमें उसे लोवेस्ट फॉर्म में लाना है सो 16/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में तो होगा नहीं दोनों अलग अलग डिजिट ये 3 की टेबल में आता है और ये 2 या 4 की टेबल में आएगा तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 9 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 कितना बचेगा 7 अब इसे हम क्या लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्योंकि इसके आगे ये भी डिवाइड नहीं होगा मतलब यही हमारा रिमाइंडर है सो 9 एज इट इज जो रिमाइंडर है उसे हम कहाँ लिखेंगे टॉप पर और 1 जो हमारा आंसर है वो एज इट इज रहेगा 1 7/9 सो 2 मल्टीप्लाई 8 बाई 3 मल्टीप्लाई 3 का आंसर क्या होगा 1 7/9 नाउ पार्ट सेकेंड 2/7 मल्टीप्लाई 7/9 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 का 2 मल्टीप्लाई 7/7 मल्टीप्लाई 9 2 7 जा 14 एंड 7 9 जा 63 अब इसे हमें क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है सो 14 एंड 63 ऐसी कौन सी टेबल से डिवाइड होंगे मतलब ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 14 और 63 दोनों आता हो तो 7 की टेबल में 14 भी आता है और 63 भी आता है तो हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से 14 डिवाइडेड 7 बाय 63 डिवाइडेड बाय 7 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम है 7 2 जा 14 एंड 7 9 जा 63 सो 2/7 मल्टीप्लाई 7/9 इक्वल्स टू 2/9
And now question number third. Multiply the following fraction. सेकेंड क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई बोला था और साथ में क्या बोला था कि हमें रिड्यूस भी करना है लोवेस्ट फ्रैक्शन में. थर्ड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो पार्ट फर्स्ट इज 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4. ये मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे. 2/5 मल्टीप्लाई 4 5 20 प्लस 1 21/4. अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5 मल्टीप्लाई 21/4. तो डिजिट कैंसिल हो रही है, हो रही है. 2 की टेबल में 4 आता है, 5 और 21 तो कैंसिल नहीं होगा. सो 2 1 2 एंड 2 2 4. 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 में एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 में. तो 21 एंड 5 2 10. जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 1/10. सो 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4 इक्वल्स टू 2 1/10. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड. 6 2/5 मल्टीप्लाई 7/9 इमेज फ्रैक्शन में इसे हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. जो 5 6 30 और 2 32. 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 7/9. 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 एंड 2 का प्लस करेंगे तो 32 by 5 multiply 7 by 9. 32 में 7 का मल्टीप्लाई होगा एंड 5 में 9 का. 32 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 224 एंड 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45. अब हम क्या करेंगे, 224 को किससे डिवाइड करेंगे, 45 से. सो 45 में 4 टाइम्स में आएगा 180. सबट्रैक्शन सभी को आता है, 4 माइनस 0 4. 2 में से 8 नहीं होगा माइनस तो हम बोरो लेंगे, इट्स 12 एंड ये 1. 12 में से 8 सबट्रैक्ट होगा तो 4 एंड 1 में से 1 जाएगा तो 0. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना तो सभी को आ गया होगा. 45 डिनोमिनेटर में एज इट इज, जो हमारा रिमाइंडर है उसे हम खा लेंगे टॉप पर, और 4 जो आंसर है वो एज इट इज. तो 4 44/45.